हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के बहाने अशोक गहलोत ने कांग्रेस को फिर बताई अपनी ताकत, किया दावा। राजस्थान में विधायकों को दिया गया था 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व को अपनी ताकत का अंदाजा लगवाने की कोशिश की है। उन्होंने महाराष्ट्र के परिदृश्य को भाजपा का षड्यंत्र करार देते हुए बड़ा दावा किया है। गहलोत ने कहा है कि करीब 2 साल पहले उनके राज्य में कई कांग्रेस विधायकों के बगावत करने के समय उनके साथ मौजूद रहे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन कोई नहीं गया। गहलोत ने जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके कुछ समर्थक विधायकों की बगावत के मामले का इशारे इशारे में हवाला दिया और कहा कि उन्होंने ऐसा सुना है कि होटल में रहने के दौरान इन विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए बांट भी दिए गए थे। गहलोत ने कहा, पिछली बार महाराष्ट्र में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, तब से ही उनके दिल में ये टीस थी कि कब हम ईडी, सीबीआई और आयकर का उपयोग करें, डराएं, धमकाएं। दो दो मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में बैठे हुए हैं, जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। ये देश के अंदर लोकतंत्र को नष्ट करने का षड्यंत्र है। गहलोत ने कहा कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लिया गया, एक एक विधायक से 35-35 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। गहलोत के अनुसार सुनते हैं कि होटल में रहने के दौरान राजस्थान के अंदर 10-10 करोड़ रुपए तो बढ़ चुके थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्थान के हमारे विधायक 34 दिन तक मेरे साथ रहे, कुछ नहीं मिला। बाहर निकलते ही पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई थी, तब भी कोई नहीं गया। और अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा कि 3 सीटें हमने जीती हैं। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।